देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात ने एक स्वच्छ राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। विश्व विरासत स्थल रानी की वाव पाटन जिले में स्वच्छता की ओर एक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के प्रबंधकों को स्वच्छता की दिशा में अद्भुत प्रयासों के लिए 30 सितंबर को पुरस्कार देंगे। ये नजारा है रानी की वाव का, जो आजकल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सफाई के कारण चर्चा में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पाटन जिले में स्थित इस साइट के लिए दो साल पहले 2014 जून में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट करके पर्यटकों को यहां का निरीक्षण करने के लिए कहा है। इस साइट के बारे में अनोखी बात यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक यहां की साफ सफाई को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। रानी वाव जो साइट नहीं, आगे पीछे का एरिया भी इतना डेवलप कर दिया और एकदम क्लीन रखते हैं लोग, बहुत मेंटेन है। रानी की वाव जो आज देख रहे हैं कि नेचुरल नैसर्गिक एटमॉस्फेयर में जो बनी हुई है, इसमें ये अवार्ड मिलकर बहुत पाटन के लोग और गुजरात के लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर एट रानी की वाव। इवन एज वी एंटर्ड द प्लेस, माय वाइफ एंड आई वी वर टॉकिंग अबाउट how beautifully this place is maintained, but we were pleasantly surprised how clean this place actually is. This is certainly one of the cleanest and perhaps the cleanest, I would say. रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उद्यामती ने बनवाया था। ये वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। ये भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। वाव के खंबे सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। वाव की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियां राम, महिषासुरमर्दिनी, कल्कि आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। दिलचस्प बात यह है कि पर्यटक स्थल की साफ सफाई और कला पर्यटकों को यहां आने के लिए लुभाती है। जिस तरीके की मैनेजमेंट वहां पर की जा रही है आर्कियोलॉजी के द्वारा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी आजू बाजू के एरिया को धीरे धीरे जो है डेवलप करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे इसका ये अवार्ड नवाजा जाना मुझे लगता है कि खूब हम लोगों के लिए जो है आगे प्रोत्साहित करेगा। रानी की वाव आज न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी ऐतिहासिक धरोहर और स्वच्छता की मिसाल बन चुकी है। भारत स्वच्छता अभियान के तहत आज देश में जो बदलाव आ रहा है वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, पाटन, गुजरात।